में UPI लॉन्च हो गया है। इस पर प्रधानमंत्री ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इसे देखकर वे बहुत ज्यादा खुश हैं। इसके साथ ही उन्हें काफी अच्छा लगा है। ये UPI को ग्लोबल बनाने के लिए दिशा में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम है। इसमें डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा भी मिलेगा। नमस्कार, मैं दीति फौजर, आप देख रहे हैं हमारे साथ द नगरी न्यूज। आपको बता दें कि फ्रांस में भारतीय दूतावास ने 2 फरवरी 2024 को पेरिस के आइफल टावर पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस यानी UPI को औपचारिक रूप से लॉन्च किया है। अब लोग UPI के जरिए आइफल टावर की टिकट भी बुक कर सकते हैं। यही लॉन्चिंग फ्रांसी राष्ट्रपति इम्यून मैक्रोन की भारत यात्रा के बाद ही हुई है। 25 जनवरी को मैक्रोन जयपुर पहुंचे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें UPI पेमेंट डिजिटल सिस्टम के बारे में जानकारी दी थी। उन्हें पेमेंट करना भी सिखाया था। इसके अलावा दोनों लीडर्स ने चाय भी पी थी। इसका पेमेंट राष्ट्रपति मैक्रोन ने किया था। 26 जनवरी को मैक्रोन ने स्टेज डिनर के दौरान यह भी कहा था कि वह जयपुर में पीएम मोदी के साथ पी गई चाय को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उसका पेमेंट UPI से किया गया था। वो मेरे लिए बेहद ही खास है। वो चाय हमारी दोस्ती, परंपरा और इनोवेशन का सबसे बेहतरीन उदाहरण था। जुलाई 2023 में फ्रांस के दौरे पर भारतीय समुदाय से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि फ्रांस और भारत के बीच डिजिटल पेमेंट को लेकर कारगर हुआ है। इसके तहत फ्रांस में भारत से UPI पेमेंट कर दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि जल्द ही फ्रांस में भारतीय पर्यटक रुपए भुगतान कर सकेंगे। NCPI इंटरनेशनल बैलेंस लिमिटेड और फ्रांस की लायर कलेक्टर नहीं, फ्रांस और यूरोप में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस UPI को लागू करने के लिए एक समझौते पर साइन किया था। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस यानी UPI को 2016 में लॉन्च किया गया था। इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। इसे आसानी तरीके से आपके सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाने की सुविधा भी दी जाती है। इससे पहले ही डिजिटल वॉलेट का चलन था। वॉलेट में KYC जैसी झंझट है, जबकि UPI में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। भारत में RTGS नेफ्ट पेमेंट सिस्टम का ऑप्शन RBI के पास है। IMBS, रुपए, UPI जैसे कई सिस्टम्स को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑपरेट करती है। सरकार ने 1 जनवरी 2020 से UPI ट्रांजेक्शन के लिए जीरो चार्ज फ्रेमवर्क मैंडेटरी भी किया था। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी न्यूज के साथ। धन्यवाद।